हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यस, तो आज हम फैराडेज के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं फैराडेज लॉ के बारे में आप लोगों को दूंगा, तो चलिए देखते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है हमारा, उसका कहना यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो भी मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ से एक फार्मूला निकल के हमारे पास आता है, W इज इक्वल टू जेड इन टू आई इन टू टी। बेसिकली प्रपोर्शनल साइन हटाते हो तो Z आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हम इसे बोलते हैं। और Q इज इक्वल टू आई इन टू टी, कहाँ से आया? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। अब बात यह है कि W को हम क्या लिखेंगे? W होता है आपका M अपॉन N इन टू एफ आई इन टू टी। तो ये एक फॉर्मूला है जो 90% केसेस में आपका न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाता है। W क्या है यहाँ पर? W है यहाँ पर कितना मास डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है। M है उसका मॉलिकुलर मास। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए हैं या फिर लूज किए हैं। F है फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500। I आपकी करंट है, टाइम है सेकंड्स में, ठीक है, राइट। तो ये बात यहाँ पर हमें देखनी है। उसके बाद आता है फेराडे सेकेंड लॉ। तो फेराडे सेकेंड लॉ का कहना यह है कि डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, यानी कि दो वेट की हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर, दो बीकर लगे होंगे और उनमें जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो उनके मास तो अलग अलग होंगे, तो उनमें क्या रिलेशन होगा? तो डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू। बेसिकली ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम? मॉलिकुलर मास को आपने डिवाइड करना है बच्चों एन फैक्टर से। एन फैक्टर क्या होता है? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, या वैलेंसी के टर्म्स में आप बोल सकते हो। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया फैराडे सेकेंड लॉ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ फैराडे। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लेते हैं आपके पास है कॉपर टू पॉजिटिव, और कॉपर टू पॉजिटिव क्या करेगा? टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। कॉपर, एक कॉपर का मतलब है वन मोल ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल कॉपर बनाने के लिए आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जाके आप क्या बना पाओगे? वन मोल कॉपर। टू मोल इलेक्ट्रॉन को आप टू फेराडे बोल सकते हैं चार्ज के टर्म्स में। अब मैं इसके समझाने पे नहीं जा रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं, आप डायरेक्ट अभी याद रखें। आप क्वेश्चंस करें तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे। अगर डायरेक्ट अप्रोच करें तो ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को आप टू फेराडे या दो फेराडे बोल सकते हो, ठीक है। वन मोल इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे तो वन फेराडे बोल दें, राइट। तो चलिए बनाते हैं। द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। तो कैल्शियम के डिपोजिशन की बात चल रही है, तो CaCl2 में कौन सा आयन होगा? कैल्शियम का, टू पॉजिटिव, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? यस, बिल्कुल सही जवाब है, टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तब बनाएगा कैल्शियम। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? सर, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं एक मोल कॉपर बनाने में, राइट। अब हमें मोल्स के टर्म्स में नहीं, हमें फेराडेज के टर्म्स में आंसर लिखना है। तो दो फेराडे यूज होंगे, तो वन मोल कॉपर का मतलब मास के टर्म्स में हम इसे लिख लें अगर, तो 40 ग्राम, क्योंकि वन मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है। तो दो फेराडे से 40 ग्राम बन रहे हैं। तो यार बच्चों, अगर 20 ग्राम तुम्हें बनाने होंगे कैल्शियम के, तो कितने फेराडे लगेंगे? ऑफकोर्स वन फेराडे। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर? तो आपने फॉर्मूला याद रखना है और बस ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉन्स का, ये अपने जहन में आपने रखना है, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, इस बार बात चल रही है सोडियम क्लोराइड की, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन। तो आपके पास जो NaCl है बच्चा, NaCl में हमारे पास टू टाइप्स के आयन्स हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही डिपॉजिट होंगे और लिबरेट होंगे। बात चल रही है किसकी, क्लोरीन की, तो मैं क्लोरीन की बात करता हूँ। तो Cl नेगेटिव जो है, दो Cl नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज होंगे तब जाके ना एक Cl2 बनेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो आपके पास क्लोरीन गैस बन जाएगी, राइट। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, करंट आपको 3 एम्पियर दिए है, राइट, और मोल्स आपको दिए हैं 0.10 मोल। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो W इज इक्वल टू एम अपॉन एन इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। एम को यहां ले जाओ तो W बाय एम यानी कि मास बाय मॉलिकुलर मास, बचा क्या, आई इंटू टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ। W बाई एम क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो सर हमें गिवन है 0.10, आई आई हमें गिवन है 3 एम्पियर, सर टाइम तो हमें निकालना ही है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं, यस। तो इक्वेशन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती करी तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। तो ये हो गया एन और 96500 ये हो गया आपका चार्ज। नाउ सॉल्व इट, ईजी कैलकुलेशन है 0.10 एंड द 2 एंड द 96500 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस आंसर विल कम इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स और सेकंड, यस सेकंड्स में आंसर आएगा कि एम्पियर क्या होता है हमारा, कूलम्ब पर सेकंड। तो ये आंसर जो आने वाला है अभी किस में आने वाला है, सेकंड, बट ऑप्शंस आपको मिनट में दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है फिर, एज सिंपल, तो ये है 96500, तो आपने सेकंड को मिनट में चेंज करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो आप ये 60 से डिवाइड करिए तो आपका आंसर आ रहा होगा 110 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है ही आंसर्स में, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको पहला डिजिट मिलता है देन यू विल टेक द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए सब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं, अ 5 एम्पियर करेंट, अ 5 एम्पियर करेंट, तो आपको आई दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, टाइम दिया है 40 मिनट्स, सेकंड में हम इसको चेंज कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिट, तो कितना जिंक डिपॉजिट होता है ये हमें पता लगाना है, राइट। तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द इक्वेशन, तो Zn2 पॉजिटिव होगा जिंक सल्फेट में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट एक्सेप्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कन्वर्ट इन Zn, तो आपको यहाँ से मिल गया n। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, अब W इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू एफ इंटू आई अपॉन सॉरी आई इंटू टी। W आपको कैलकुलेट करना है, इसका मास होता है जिंक का, वैसे क्वेश्चंस में गिवन रहता है, ये होता है नियर अबाउट 65.5, लेट मी चेक दिस, या इट शुड बी नियर अबाउट 65-64 ऐसे कुछ वैल्यूज दी होगी आपको, ठीक है, तो आप वैल्यू रख लेंगे, मुझे अभी मिल भी नहीं रहा है इसकी वैल्यू। तो 65 है, करंट आपको दिया है 5 एम्पियर, टाइम आपको दिया है मिनट में, तो आपने 60 इसे मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लेना है, राइट। एन आपको दिए निकाल लिए हैं आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और फेराडेस, तो आपका 96500 ही होता है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.60065। तो देखो पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पॉइंट में गड़बड़ करोगे तो वैल्यू फॉर 4 तो 3 ऑप्शंस में आ रही है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आगे की कैलकुलेशन चाहे गलत हो, मतलब पहले डिजिट के बाद तुम्हें ये पता चल पाए कि 4 के बाद पॉइंट लगाना है, किसी को ऐसा डाउट ना हो कि 40 के बाद पॉइंट लगाना है, ऐसा डाउट ना हो कि 0.4 आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप फंस जाओगे।
आपको दोबारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मैं एक सजेशन और, एग्जाम में भी आप जब रफ वर्क करें तो बॉक्सेस बनाकर करें, एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको बॉक्स में बंद करके ख़त्म कर दें, फिर दूसरा स्टार्ट करें। और थोड़ा क्लीन लिखने की कोशिश करें, बहुत रश ना करें, ताकि आपके ब्रेन में एक अच्छी इमेज बने, क्लैरिटी के साथ आप अपने पेज को देख रहे हो। कभी आपको कैलकुलेशन करते करते ऊपर किसी पॉइंट पे देखना है, चेक करना है, तो आप उसी में चेक कर पाए, दोबारा आपको सॉल्व ना करना पड़े। कि जैसे ये क्वेश्चन है कि मान लो आपने इक्वेशन कहीं लिख दी है, ये कहीं लिखा है, सॉल्व कहीं कर रहे हो, फिर डिवाइड कहीं कर रहे हो, तो अगर आपको चेक करना है कि यार इक्वेशन मैंने सही लिखा ली, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो उसे ढूंढने में, आपको पता हो कि इसी बॉक्स के अंदर है सर, तो आपने वो बॉक्स बंद कर देना है, राइट। चलिए, तो ये तो छोटी सी टिप्स थी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा मून कॉन्सेप्ट का तड़का लगा हुआ है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई गई है 60 सेकेंड के लिए। तो 60 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई गई है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे दिया है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, Q इज इक्वल टू एन इन टू ई। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल सकते हैं कि कितना अमाउंट चार्ज, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, Q इज इक्वल टू एन ई कहाँ से आता है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो उसके पास तो आप बोल दोगे Q इज इक्वल टू ई, क्योंकि एन इक्वल टू आपने कितना बोल दिया 1। अब हमें एन निकालना है ना, तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे निकलता है? यस, वेरी गुड। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? I इंटू टी। तो Q की जगह आप I इंटू टी रखें, तो I है आपके पास 1, टाइम है 60, और ये रहा आपका N। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको दिया है 1.6 × 10⁻¹¹. नाउ सॉल्व इट, तो इट कम्स आउट टू बी इट इज 1.6 × 10⁻¹¹. सो दिस इज 10⁻¹¹ अपॉन 1.6। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो 3 अप्रॉक्स आ गया। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 3.75 × 10⁻²। एंड प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि पहले आप ऑप्शंस देख लें, कि ऑप्शंस में अगर वैल्यूज़ में ज़्यादा वेरिएशन है तो आप सिर्फ पहले डिजिट निकालने का ट्राई करें, आप पावर की बाकी चीज़ों की कोई टेंशन फिर ना लें, ठीक है, तो आपका जल्दी हो जाएगा। करेंगे और बच्चे भी, बस यही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप एग्जाम में कितना टाइम सेव कर लेते हो कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए। तो ये छोटे छोटे सेकंड्स आप लोगों ने मारने हैं, यहाँ से गंवाने नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इसका आंसर लगा दिया था हमने 3.75। नेक्स्ट है 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो कैथोड पे जाकर आपका जो एल्यूमिनियम है वो कितना डिपॉजिट होता है बच्चा? 4.5 ग्राम, राइट। फ्रॉम Al+3, तो Al+3 है डिपोजिशन, तो यहाँ से इक्वेशन बना देते हैं। इट विल एक्सेप्ट दी 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल कन्वर्ट इन Al बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई डोंट नो कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड ओवर हेयर, तो Q हमें बताना पड़ेगा पहले। तो बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज Q, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, तो आपको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है लीटर्स में, कि कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा एट STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फ्रॉम H+। तो H+ के लिए आप इक्वेशन बना सकते हैं, 2 H+ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू H2। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ओके, तो हमें क्या क्या दिया है? 2 H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिल गया बच्चा N=2। अब बात ये है कि यहाँ से हमें पहले Q निकालना पड़ेगा। अब देखो, बोला है ना कि
सर्टीन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी फ्रॉम एच पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो क्यू यहाँ यूज होगा वही क्यू यहाँ पर भी यूज होगा। तो पहले हम यहाँ से क्यू निकाल लेते हैं पहली वाली इन्फॉर्मेशन से। पहली वाली इन्फॉर्मेशन से क्यू निकालने का ट्राई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एन इंटू एफ आई इंटू टी को हम लिख लेते हैं क्यू, क्योंकि हमें वही कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डब्ल्यू हमें दिया है 4.5 ग्राम और मॉलिकुलर मास हमें दिया है 27 ग्राम, राइट। और क्यू हमें कैलकुलेट करना है, यस। एंड द एन इज 3 एंड द एफ इज 96500। नाउ वी कैलकुलेट द क्यू, 4.5 इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 27। तो इसे आप डिवाइड कर लेंगे, 3 9 27, 9 से इसको कैंसिल कर लेंगे और बस 5 से मल्टीप्लाई तो करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 F, ऐसा लिख लें बताओ। तो ये 9650 इसको F लिख लिया, तो ये हमें चार्ज मिल गया फैराडेस के टर्म्स में। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दो H पॉजिटिव है बेटा और ये टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो दो मोल इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, राइट। तो दो मोल इलेक्ट्रॉन, टू मोल इलेक्ट्रॉन आप यूज़ करते हो तो वन मोल हाइड्रोजन बनता है। अब हमें मोल्स के टर्म्स में नहीं चाहिए, टू मोल्स को क्या लिख सकते हो आप, टू फेराडे। तो टू फेराडे से वन मोल बनेगा, वन मोल में कितनी वॉल्यूम होती है एसटीपी पर, 22.4 लीटर। दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट, एक मोल मतलब 22.4 लीटर। तो दो फेराडे से इतनी वॉल्यूम लग रही है, तो वन फेराडे से कितनी लगेगी, वन फेराडे से कितनी वॉल्यूम मिलेगी, 22.4 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम्हारे पास कितना चार्ज है, तुम्हारे पास है 0.5 फेराडे, इसलिए मैंने फेराडे के टर्म्स में रहने दिया है उसे। तुम नहीं भी करते तब भी आंसर को निकाल ही लेते, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5, बस अब क्या है सॉल्व कर लो इसे। तो ये 11.2 इंटू 0.5, तो देख लो कितना आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स भी लोगे तो 11.5 से 55, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.66। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.6 लीटर। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहीं पे कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करो और उसे अगेन आप लोग वॉच करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 0.1 मोल MnO4 2 नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज, तो आपके पास MnO4 2 नेगेटिव है, उसके 1 मोल हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होकर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बन जाता है MnO4 1 नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो व्हेन 0.1 मोल अगर आप ऑक्सीडाइज कर दो तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्सीडाइज। अब आंसर देखिए आप, ऑलमोस्ट सब फैराडेज जैसी वैल्यूज ही आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको कि सर 1 मोल MnO4 बनेगा कितने फैराडेज है, 1 फैराडेज है ना, यानी कि 1 मोल के अंदर कितना फैराडे चार्ज है, 1 फैराडे। तो आप कह सकते हो सर 1 मोल के अंदर कितना कूलॉम चार्ज है, 96500 कूलॉम, क्योंकि कूलॉम में दिए आंसर। अब हमारे पास 1 मोल नहीं है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 0.1 मोल, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 96500, तो आंसर आ जाएगा 9650.0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है 9650, ये तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम हलवा। द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2। तो सिल्वर का वेट डिस्प्लेस किया गया, डिस्प्लेस किया गया कितना, ठीक है बताना है हमें, बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्यू की बात की जा रही है कि कुछ है, हमें बताया नहीं गया है कुछ, बस रिलेशन दिया गया है। ये उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी है जो रिप्लेस डिस्प्लेस करती है कितने को, ऑक्सीजन के 5600 ml को।
तो सबसे पहले हमें सेकंड वाली इंफॉर्मेशन से सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम दिया है, 5600 ml हमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हमें ये निकालना होगा। तो थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट हम फिर से यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन बनाने के लिए सर हमें दो ओ चाहिए, सिंपल सी बात है यार, दो ओ चाहिए। अब खाली ओ तो होंगे नहीं, ओ कैसे होते हैं, -2 होते हैं, तो दो ऑक्सीजन तुम्हें चाहिए। तो 2 2 4, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं आपके, तब जाकर 1 mole O2 आपका बन रहा है, ठीक है ना। 1 mole ऑक्सीजन आपका बनेगा कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ करके, 4 mole इलेक्ट्रॉन यूज़ करने से। अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेशन मिलता है, यहाँ से हमें ये समझ में आता है बच्चों कि 1 mole O2 की अगर आप बात करो, 1 mole ऑक्सीजन अगर हम बना रहे हैं तो उसमें कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। अब आपके पास वॉल्यूम कितना है, 5600 ml में है, तो मैं इसे लीटर को अगर ml में चेंज कर लूँ तो कोई नाराज़ तो नहीं होगा, नहीं होंगे, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। 224 × 1000 करोगे तो 2 0 रह जाएंगे, 1 0 तो हट ही जाएगा फिर पॉइंट के बाद, तो ये आ गया आपका ml। तो 1 mole में इतना ml है। अब 1 ml से कितने मोल बनेंगे फिर, तो 1 ml से बनेंगे 22400 mole ऑफ O2 बाय 1 ml। अब आपके पास कितने ml है, 5600 ml है आपके पास, तो इतने से कितने बनेंगे मल्टीप्लाई कर लो, तो 5600 ml है और ये आ जाएगा 22400, तो ये आप कैंसिल कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 5600 ml के लिए आप यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है मास के टर्म्स में, तो ये हमने मोल्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये क्या निकल रहे हैं हमारे मोल्स निकल रहे हैं, तो अगर हम इसमें मास निकालना चाहें तो 1 mole में कितना मास होता है O2 के, 1 mole में होता है आपके, हाँ बोलो भाई, 32 होता है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 32 × 56 / 224, ये बचा। अब बस इसको डिवाइड कर लो, ठीक है कैंसिल हो ही रहे होंगे किसी ना किसी से, करके देखो जरा, चलो पहले सिंपल कर लेते हैं। अब देखो कोई डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रहा हो तो 8 2 16 8, और ये 4, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये डिवाइड करके आ जाएगा आपका 8 ग्राम, ठीक है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है सीधे सीधे आपके डिवाइड हो जाएंगे, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 56 भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो 7 से आप कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कहोगे सर अभी सर ने कैलकुलेशन भी नहीं किया, ठीक है तो ये आ गया 16 से 16 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 8 ग्राम। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब हम ऑक्सीजन के 5600 ml यूज़ करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 ग्राम कैलकुलेट कर लिए हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हम 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो उसका कितना ग्राम फॉर्म होगा, 8 ग्राम हमारे पास फॉर्म होने वाला है। यहाँ से हमें इसका मास पता चल गया है। अब अगर हमें इसका मास पता चल गया है तो हम दूसरे का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, तो हम उसके मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम और इसका यूज़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें मास नहीं दिया था, नहीं तो इसमें भी हम W वाला फॉर्मूला लगा लेते। अब हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू, यहाँ पे दो इक्वेशंस बना लेते हैं, W1 / W2 इज इक्वल टू E1 / E2। तो W1 यानी कि सिल्वर का वेट हमें निकालना है, W2 अभी आप लोगों ने बता दिया है 8 ग्राम आ रहा है, E1 का मतलब क्या हुआ, मॉलिकुलर मास, तो सिल्वर का मॉलिकुलर मास कितना दिया है, 108, और उसका एन फैक्टर क्या होता है, सिल्वर +1 में होता है तो उसके लिए तो एन फैक्टर 1 ही हो गया। इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना,
32, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना लिखेंगे, बोलो कितना लिखेंगे, तो ये आएगा 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो इक्वेशन बनाई है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, एक ऑक्सीजन बना, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। तो ये बचा तुम्हारा 8, से 8 भी कैंसिल हो गया। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी आंसर आया है 108 ग्राम। यहाँ पे तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है कि कोई बच्चा भिड़ा दे क्वेश्चन को, मॉलिकुलर मास ही आंसर लगा दे, तो उसका आंसर अनफॉर्चुनेटली सही हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप मैं सारी चीज़ें क्लियर कर पाया होगा आप लोगों को। तो ये जिसमें मूल कॉन्सेप्ट वगैरह अप्लाई हो रहा होगा ना बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन को आपने और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई नहीं करने, इन्हीं क्वेश्चन को जब आप 4-5 बार बना लोगे आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छा, आप इस पर थोड़ा सा ग्रिप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के कितने ग्राम बनते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट विल बी डिपॉजिटेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट प्लस 2। तो कोबाल्ट प्लस 2 की बात चल रही है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, कोबाल्ट। व्हेन अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराई जाती है, टाइम लिया जाता है 109, कितना अच्छा होता है 110 दे देते, टाइम मिनट में दिया है, सेकंड में चेंज कर लिया है, तो इनटू कर दिया हमने 60। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट अप्लाई कर लो। तो 10 बार अभी फॉर्मूला लिख लिया है, मैं बार बार इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको भी याद होता रहे। तो W आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिकुलर मास आपको दिया है 59। अब मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा, I आपको दिया है 10 और टाइम आपको दे दिया है 109 into 60, क्योंकि आंसर में मुझे ठीक ठाक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बहुत कम आना होगा तो पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो एक अच्छी डेजिट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो पॉइंट्स में नहीं है, तो अप्रॉक्स ले सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके पास नीचे है N, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फेराडेज आपके हो गए 96500। तो सबसे पहले तो ये दोनों जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, 6 और ये 1 चला गया। अब इस 59 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 60, और 109 को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 110, और ये रहा आपके पास 2 और ये रहा 965। तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 30, और 56 को डिवाइड कर लेते हैं, 56 या 30, 5 4 ये बचा आपके 46, 59 या 45, और 5 3 15, तो 193 अप्रॉक्स। अगर मैं इसे 200 मान लेता हूँ थोड़े के लिए, तो 0 0 और 3 11, तो ये तुम्हारा आ रहा है लगभग लगभग 0.66 आ रहा है, शायद 0.66 आ रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज हैं पॉइंट में तो आ रही होगी, नहीं 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 एक सेकेंड, 6 3 18 20, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आ रहा है यहाँ पर 20, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन लेकर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 20 ग्राम के अप्रोक्स आ रहा है, डी नहीं है, ये ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो आप इसको कैलकुलेट एक बार कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आप ले लेंगे। समझ गए इतनी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी मेहनत तो कैलकुलेशन में कराई, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं तो फिर तो क्या ही लेवल रह जाएगा ना, फिर तो मजाक हो जाएगी। नेक्स्ट, ओके खत्म हो गया, अच्छा एक और। तो Al2O3 इज रिड्यूस्ड, सॉरी Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एट लो पोटेंशियल एंड हाई करेंट इफ 4.0, तो करेंट आपको दिया है 4.0 × 10^4 एम्पियर, इज पास्ड थ्रू मॉल्टन Al2O3 फॉर 6 आवर, तो 6 घंटे, 6 आवर यानी कि 60 × 60, देन इट विल कन्वर्ट इंटू सेकेंड। बट मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना मास डिपॉजिट होगा, Al2O3 में एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, +3 होगी,
इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एल। यहाँ से आपको एन भी पता चल गया है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, देखने में डरावना लग रहा है, तो बहुत से बच्चे इसको देख कर ही छोड़ देंगे, तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो डब्ल्यू आपको निकालना है, मॉलिकुलर मास आपको दिया है, एम अपॉन एन एफ होता है, एन आपको पता चल गया 3, एफ आप लोग जानते हैं 96500। उसके बाद आई की बात करें तो 4 × 10⁴, टी हम लोगों ने चेंज कर ही लिया है 6 × 60 × 60। अब इतने लेजी मत बनो, कैलकुलेशन कर लो थोड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा 9.1 समथिंग आ रहा है, तो 9 × 10³ लगाने में मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, और एक सेकेंड, यहाँ से आप लोगों के टाइप्स आई होप क्लियर हो गए होंगे, चेक कर लेते कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, डन। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरी तरफ से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो आपका कंप्लीट हो गया है। सेल्स के लिए तो पूरी थ्योरी मुझे पढ़ानी पड़ेगी, और उतने ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं, कुछ यूजेस आप सेल्स के पढ़ लो कि कैसे किसको यूज़ किया जाता है, कि कौन सा सेल कैसा होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल के पर्पज़ से ये लेक्चर्स बनाना शुरू किया, तो मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोगों का कवर कर दिया है, तो 3 लेक्चर इस पर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग पहला ही लेक्चर ही देख रहे हैं तो बाकी 2 जाकर देखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 2021 में भी उससे सवाल आया था, तो आप लोग उसको जाके देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल दी नीट एस्पिरेंट्स कि प्लीज़ वो फिजिकल केमिस्ट्री से डरे ना, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस ना करें, टाइप्स पे फोकस करें और सिलेक्ट कर लें कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली हम बनाएंगे, बिल्कुल पूरी छोड़ के नहीं हो सकता बेटा सिलेक्शन। ट्रुथ तो यही है कि आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ के या एक आध चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का करके सिलेक्शन नहीं ला सकते, क्योंकि मेरिट काफ़ी हाई है, आप लोगों को स्कोर करना है, और जगह भी नेगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी होती है, ऑर्गेनिक में भी दिक्कत आती है आप लोगों को, तो फिर बचा ही क्या, फिर सब में प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से स्किप ना करें। तो इसलिए मैंने टाइप्स बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको कॉन्फिडेंस आए, एक दो क्वेश्चन के बाद उसे आप अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो हम प्रीवियस ईयर किसके ऊपर स्टार्ट करें, बाकी फिर हम अपनी तरफ से नहीं तो स्टार्ट कर लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।